किंगडम ऑफ फूल्स के पार्ट वन वीडियो जो है वो पहले से मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जैसा कि आप उसमें पढ़ चुके हैं। और ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं ये है पार्ट टू द किंगडम ऑफ फूल्स के। तो इसमें अभी हम आगे के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक जैसे कि हमने पढ़ा कि राजा ने ऑर्डर दिया था अपने सिपाहियों को कि डिसाइपल को दरबार में लेकर के आने के लिए, तो ऑर्डर के हिसाब से सिपाही जो थे वो डिसाइपल को लाने गए थे। अभी हम उसके आगे का पढ़ेंगे। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट। तो जो डिसाइपल है वो बोलता है कि मैंने क्या गलत किया, मैं जो हूँ निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो रो रो करके मतलब सिपाही को बता रहा था कि मैंने क्या गलत किया, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट अनफ टू फिट द स्टे। तो वो बोलता है कि हाँ वो तो हमें भी पता है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन ये भी सच है कि जो मतलब दरबार से इनको ऑर्डर मिला हुआ है, राजा की तरफ से ऑर्डर मिला हुआ है कि उनको बस एक ऐसा मोटा आदमी चाहिए जो उस स्टेक पे फिट बैठे मरने के लिए। तो उस ऑर्डर के हिसाब से ही वो उसे लेकर के जा रहे हैं, इसकी गलती कुछ नहीं है। तो ऐसा उसको सिपाही बताते हैं, दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। और जहाँ की मतलब मौत की सजा देनी थी वहां पे उसको उठा करके पकड़ के ले जाया जाता है कैरी करके। ही रिमेम्बर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, दिस सिटी इज ऑफ फूल्स। अब उसको अपने गुरु की बात याद आ रही होती है, जो गुरु ने कहा था कि ये शहर जो है ये बेवकूफों का शहर है। यू डोंट नो वॉट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें भी नहीं पता कि ये आगे क्या करेंगे, क्या नया मतलब रूल ले आएंगे, नियम ले आएंगे, आगे क्या कुछ कर देंगे, क्योंकि ये बेवकूफों का शहर है। ऐसा इसको गुरु ने कहा था, जो कि अब इसे याद आ रहा है। पहले तो इसने गुरु की बात मानी नहीं, गुरु के साथ गया नहीं शहर छोड़ के, और अब उसे गुरु की बात याद आ रही है जब वो खुद मुसीबत में फंस गया है। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, अब जब वो मौत का इंतजार कर रहा है, उसे पता है कि अब तो मौत की सजा मिलनी है, तो उस वक्त वो बैठ करके अपने गुरु की बातों को याद कर रहा है। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, और अपने दिल ही दिल में वो गुरु से प्रार्थना भी कर रहा था। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉच, वो मतलब प्रे कर रहा था कि उनके जो गुरु हैं उसकी जो दुखड़ा है, जो रोना है, वो उन तक भी पहुंच जाए इसका दुख, कि मतलब वो जो इनका संत है, जो इनका ये चेला है, वो उनको याद कर रहा है। तो ये मन ही मन में उनसे प्रे कर रहा था। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, और जो गुरु है वो अपने अंतर मन में सब कुछ देख पा रहे थे। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास एक जादुई शक्ति है। ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकते हैं अपने अंतर मन से ध्यान करके। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, यहाँ तक कि वो भविष्य या फिर अभी जो चल रहा है प्रेजेंट या फिर जो पीछे हुआ, ये सब भी वो अपने अंतर मन में देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक जादुई शक्ति है, उसके उसकी वजह से वो देख पा रहे थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव दिस डिसाइपल, अब वो क्या वहां पे पहुंचते हैं, प्रकट होते हैं, अराइव होते हैं अपने डिसाइपल जो था, चेला जो था, उसे बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन टू सच अ स्क्रेप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने कि अपने आप को बहुत बड़े मुसीबत में फंसा लिया था सिर्फ खाने के चक्कर में। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. अब जैसे ही वो जो गुरु थे उनके डिसाइपल के मतलब शिष्य के जो गुरु थे, जब वो पहुंचते हैं वहां पे, वो क्या करते हैं अपने चेला को, शिष्य को यानी डिसाइपल को डांटना शुरू कर देते हैं, बहुत स्कोल करते हैं, बहुत डांटते हैं यहाँ पे। और उसके बाद उसके कान में मतलब कान के पास जा करके कुछ फुसफुसाते हुए बोलते हैं, मतलब बहुत धीरे से, बहुत धीमे आवाज में उसको फुसफुसा करके कुछ समझाते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग। अब उसके बाद वो जो गुरु थे वो क्या करते हैं, किंग के पास जाते हैं और किंग को बोलते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। उससे बोलते हैं कि पूछते हैं एक तरह से कि बड़ा कौन होता है, कोई एक गुरु या फिर चेला। ऑफ कोर्स द गुरु, अब जो किंग है वो बोलते हैं कि जाहिर सी बात है गुरु ही है जो बड़ा होता है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, कोई दोराय ही नहीं है, गुरु ही बड़ा होता है। व्हाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, वो गुरु से पूछते हैं, जो राजा है वो गुरु से पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो वो बोलते हैं कि अच्छा मतलब गुरु जब बड़ा होता है, ग्रेटर जो है वो गुरु होता है,
तो जो स्टेक पे मतलब मौत की जो सजा है ना वो पहले मुझे दो, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और जो मेरे चेला है ना मैं मुझे मौत की सजा देने के बाद मेरे डिसाइपल यानी कि मेरे चेले को सजा देना मौत की। तब जो गुरु है वो बोलते हैं कि राजा से कि अगर ग्रेटर जो है वो गुरु होता है तो पहले मैं इसका गुरु हूँ, ये मेरा शिष्य है, तो पहले मुझे मौत की सजा दो और मेरे बाद मेरे डिसाइपल को यानी मेरे चेले को मौत की सजा देना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first." अब क्या करता है चेला, जैसे ही वो सुनता है कि गुरु बोल रहे हैं कि पहले मुझे मौत की सजा दो बाद में मेरे चेले को देना, तब जो चेला है अब जैसा कि चेले को तो वो पहले ही फुसफुसा करके गुरु जो है वो सब कुछ समझा चुके हैं, तब उसे पता है कि उसे क्या बोलना है या फिर क्या करना है, सब गुरु ने पहले ही सिखा दिया। तो अब उनके सिखाए हुए के हिसाब से ही वो क्या करता है, जैसे ही गुरु अपनी बात रख देते हैं कि उन्हें मौत की सजा पहले देनी दी जाए, तब चेला जो है वो बोलता है कि नहीं पहले मुझे सजा दो, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम पहले मुझे लेकर के यहाँ आए थे, पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे मौत की सजा दो उसके बाद उन्हें, मतलब कि अभी पहले उन्हें नहीं पहले मुझे सजा दो मौत की। अब जहां वो पहले रिक्वेस्ट कर रहा था कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है मैं बेगुनाह हूं, अब गुरु के समझाने के बाद कुछ तो ऐसा बात हुआ होगा आपस में समझाने के बाद, अब वो कह रहा है कि नहीं पहले मुझे मौत की सजा दो। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इन टू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, गुरु और चेला, गुरु और उनका जो शिष्य है डिसाइपल वो, और दोनों लड़ने लगते हैं कि नहीं पहले मुझे मौत की सजा मिलेगी, और गुरु बोलते हैं कि नहीं पहले मुझे, तो दोनों इस तरह से आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। द किंग वॉज पजल बाय दिस बिहेवियर। अब किंग जो है वो पूरी तरह से पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, मौत की सजा के लिए ये दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं पहले मुझे दो पहले मुझे दो। ही आस्क द गुरु व्हाई डू यू वॉन्ट टू डाई। तब जो किंग है वो गुरु से पूछते कि तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। हमने आपके मतलब हमने डिसाइपल को आपके चेले को शिष्य को चुना है क्योंकि हमें जो स्टेक के हिसाब से हमें एक मोटा फैट मैन चाहिए था, मतलब मोटा आदमी चाहिए था स्टेक से मारने के लिए, हमने इसलिए इसे चुना है। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन। तब क्या आप गुरु क्या बोलते हैं कि तुम मेरे से राजा से बोलते कि तुम मुझसे आप मतलब मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे बस पहले मौत की सजा दीजिए, रिप्लाई द गुरु। अब गुरु क्या राजा को बिल्कुल ऑर्डर की तरह बोलते कि नहीं आप मुझसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ सकते, चुपचाप मुझे पहले मौत की सजा दीजिए। Why there is some mystery here, as a wise man you must make me understand। अब यहाँ पे राजा पूछते हैं कि क्यों मतलब पहले मैं तुम्हें क्यों दूं मौत की सजा, तुम्हें मौत की सजा ही क्यों दूं। तब वो बोलता है कि यहाँ इसके पीछे भी क्या कुछ मिस्ट्री है। अब ये क्या यहाँ पे राजा जानना चाहते हैं क्या मिस्ट्री है, तो वो उनको समझाता है। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। क्या तुम मुझे आप मतलब राजा से पूछते क्या आप मुझे वादा करते हो कि आप मुझे पहले मौत की सजा दोगे अगर मैं आपको वो मिस्ट्री सब कुछ मतलब जो भी मिस्ट्री है वो मैं आपको बता दूंगा। तब उससे क्या वादा लेता है। आस्क द गुरु द किंग गेव हिम हिज सॉलेम वर्ड। अब क्या किंग जो है यहाँ जुबान दे देता है कि हाँ तुम मुझे ये मिस्ट्री बताओगे तो उसके बाद मैं पहले तुम्हें ही मौत की सजा दूंगा। द गुरु टुक हिम असाइड। अब गुरु क्या करता है किंग को राजा को साइड में लेकर के जाते हैं, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, बाकी मतलब जो वहां पे सर्वेंट्स है ना उनके उन सब के पहुंच से दूर, मतलब कि उनके कान में आवाज ना पड़ जाए कि क्या मिस्ट्री बता रहे हैं, उससे दूर लेकर के जाते हैं। एंड विस्पर टू हिम यानी बहुत धीरे धीमी आवाज में उन्हें समझाते हैं। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ। क्या आपको पता है कि हम क्यों मरना चाहते हैं यहाँ पे, द टू ऑफ अस मतलब हम दोनों गुरु और चेला यानी कि मैं और मेरा जो डिसाइपल है वो। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम बहुत सारे शहर घूम चुके हैं लेकिन हमने कभी ऐसा शहर नहीं देखा और आपके जैसा राजा नहीं देखा। मतलब कि उनके सामने तो वो तारीफ कर रहा है लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो तो इन लोगों को सबको बेवकूफ भी बोलता है ना गुरु, कि ये सब तो मतलब बेवकूफ है, फूल्स का शहर है। तो मतलब लेकिन राजा के आगे वो थोड़ा मतलब इस तरह से बोल रहा था एटीट्यूड में कि लगे कि हाँ वो तारीफ कर रहा है राजा के, ऐसे तो सच में उसने कभी ऐसा शहर नहीं देखा था और ना ही ऐसे राजा देखे थे, इतने बेवकूफ। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गुड द स्टेक
अब वो क्या मतलब राजा के सामने वो राजा की तारीफ करते हुए बोलता है, पहले तो वो तारीफ करता है मतलब कि ऐसा राजा नहीं देखा, ऐसा शहर नहीं देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। अब वो बोलता है कि जिस स्टेक से मतलब आप मारने वाले हो ना, वो भगवान के इंसाफ का स्टेक है। इट्स न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, मतलब कि इससे कब, इससे पहले इस स्टेक से किसी को मारा भी नहीं गया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो भी इससे इस स्टेक से, इस नए स्टेक से सबसे पहले मारा जाएगा, वो जो है वो इस कंट्री का किंग होगा, मतलब नेक्स्ट रीबॉर्न मतलब कि अगले जन्म में राजा हो बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country. और जो भी इसके सेकेंड में इस स्टेक से मारा जाएगा, वो जो है आने वाले मतलब भविष्य में, इसका मतलब अगले जन्म में इनके ये क्या कंट्री का वो मंत्री बनेगा। मतलब कि इसके कहने के हिसाब से ये खुद इसलिए मरना चाहता है पहले, ताकि ये राजा बन जाए और इसका जो चेला है वो मंत्री बन जाए, ऐसा वो राजा को बताता है। वी आर सिक ऑफ आवर एसेस्टिक लाइफ, वो क्या अपने लाइफ से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। अब वो क्या, वो भी चाहते हैं एक बार के लिए एक राजा और मंत्री की तरह जीवन जीना और इंजॉय करना, एक अच्छी लाइफ जीना। नाउ कीप योर वर्ड, अब वो क्या बोलता है राजा से कि अब आप अपनी जो जुबान दी है, आपने जो वर्ड्स आपने मेरे मतलब मैंने आपसे जो वादा लिया है, अब वो आप वादा पूरा करो माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें अब मौत की सजा दो। मी फर्स्ट रिमेम्बर, और याद रखना कि आपने मुझे वादा किया कि पहले मुझे मारोगे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब क्या किंग जो है, राजा जो है वो गहरी सोच में चला जाता है। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू सम वन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अब क्या है अगले जीवन के लिए मतलब कि अगले जन्म के बाद भी वो ये नहीं सोच पा रहा, ये नहीं चाहता है कि उसका जो राजपाट है वो उससे छिन जाए। He needed time. अब उसको क्या समय चाहिए सोचने के लिए कि वो मारे कि नहीं मारे, क्या करे। So he ordered the execution postponed to the next day and talk in secret with his minister. अब वो क्या करते, जो execution था ना, जो कि मौत की सजा देनी थी, उसको वो अगले दिन पे टाल देते हैं और अपने मिनिस्टर के साथ, मंत्री के साथ सीक्रेट में कुछ बात करने जाते हैं। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम अगले जन्म के लिए अपना राजपाट किसी और के हाथ में सौंप दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल रीबॉर्न एज द किंग एंड मिनिस्टर अगेन। वो क्या बोलते हैं कि ये मौत की सजा हम खुद को ही दिलवा लेते हैं, ताकि हम अगले जन्म में फिर से राजा और मंत्री बनेंगे वापस से। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, जो ये जो पवित्र लोग होते हैं ना, ये सन्यासी और ये लोग सब झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, अब क्या मिनिस्टर भी उनके बात से, जो उनका मंत्री है राजा का, वो भी एग्री करता है कि हाँ ये लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं, इनको मतलब होली मैन बोल रहा है कि ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये जो सन्यासी होते हैं। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, अब वो क्या वो लोग बुलवा मतलब एक मैसेज पहुंचवा देते हैं एग्जीक्यूशनर्स को, जो भी मौत की सजा देने वाला था उसे, कि हम क्या रात में जो क्रिमिनल है उसको भेज देंगे आज रात में। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, जब जैसे ही तुम्हारे पास पहला आदमी आएगा पहले उसको मौत की सजा देना, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और जब जो दूसरे में दूसरे नंबर पे आएगा उसे सेकेंड में मौत की सजा दे देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और ये हमारे क्या ऑर्डर्स है, डोंट मेक एनी मिस्टेक, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो पहले आएगा उसे पहले मार देना, फिर जो दूसरे में आएगा उसे दूसरे में मार देना, मतलब कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्राइजन, और उस रात क्या करता है ये जो राजा और मंत्री थे, ये लोग खुद ही मतलब सीक्रेटली यही दोनों चले जाते हैं चुपचाप जेल में, जहाँ की गुरु और डिसाइपल को पहले से ही जेल में रखा गया था प्रिजन में। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल सीक्रेटली टू द प्राइजन, अब क्या ये जो राजा और मंत्री थे ये लोग जाते हैं प्राइजन में, मतलब जेल में, जहाँ के गुरु और डिसाइपल को कैद करके रखा गया था। रिलीज द गुरु एंड डिसाइपल, और क्या करते हैं गुरु और डिसाइपल को चुपके से वहां से छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और वो क्या वहां पे इस तरह से मतलब उन लोगों को डिस्गाइज कर देते हैं ना, वहां के ये एग्जीक्यूशनर्स को और बाकियों को, कि वही दोनों मतलब वो हैं जिनको की सजा मिलनी है।
एंड एज अरेंज बिफोर हैड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। अब जैसा कि वहां तैयारी हुआ था मौत की सजा देने के लिए, तो वो लोग क्या, इन दोनों को ही, जो राजा और मंत्री हैं, दोनों को स्टेक से मार देते हैं, मौत की सजा दे देते हैं, जैसा कि राजा ने भी ऑर्डर दिया था। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब जब डेड बॉडी को ये फेंका जाना था क्रोज यानी कि कौए और वल्चर्स के आगे ताकि वो खा जाए, तो जब उनके आगे फेंका जाना था तो लोग जो थे वहां पे सब पैनिक्ड हो गए, सब सॉक्ड हो गए, सदमे में चले गए। दे सॉ बिफोर देम ही द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। जब वो देखते हैं कि जो डेड बॉडी जो है ना वो किंग, राजा और मंत्री की ही है, मतलब उन्हीं की, राजा और मंत्री की डेड बॉडी है, तब पूरा जो शहर के लोग थे वो सब पैनिक्ड हो जाते हैं, सब सॉक्ड हो जाते हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। पूरा शहर मतलब दुविधा में, कन्फ्यूजन में हो जाता है। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। अब सबको टेंशन हो जाता है, पूरी रात सब शोक मनाते हैं और सब आपस में डिस्कस करते हैं कि अब राजपाट का मतलब भविष्य क्या होगा, आगे कौन संभालेगा, क्या होगा हमारा। मतलब ऐसे बेवकूफ राजा और मंत्री के लिए भी ये सब मॉर्न कर रहे थे और चिंता में थे कि अब आगे कौन संभालेगा, ऐसे कौन सा वो बहुत अच्छे से संभाल रहा था। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है गुरु और उनका चेला आगे के लिए, मतलब आगे राजपाट संभालने के लिए, जो कि पहले से गुरु और चेला जो थे वो अपना तैयारी कर रहे थे शहर को, टाउन को छोड़ करके निकलने के लिए, मतलब चुपके से वो लोग वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में यही दोनों आते हैं, वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। और ये लोग क्या उससे बोलते हैं, गुरु से और उसके चेला से, कि हमें हमारे मतलब राज्य के लिए, हमारे यहाँ के लिए राजा और मंत्री की जरूरत है, सेड समवन। उसमें से कोई एक आदमी कहता है, अदर्स एग्रीड, बाकी सभी सहमत होते हैं इस बात से कि हाँ हमें राजा और मंत्री की जरूरत तो है। द बैग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। और वो सब क्या, गुरु और डिसाइपल के पैर पड़ते हैं, मतलब हाथ जोड़ते हैं कि मतलब वो दोनों ही जो हैं वो वहाँ के मिनिस्टर और राजा जो हैं वो बन जाए। इट डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल। अब यहाँ क्या, डिसाइपल को, चेला को मनाने में तो इतना कुछ आर्गुमेंट नहीं करना पड़ता, इतना कुछ मतलब मनाने के लिए इतना कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। लेकिन गुरु जो थे उनको मनाने में समय लग जाता है इन्हें, मतलब वो इतनी आसानी से नहीं मानते हैं यहाँ के राजपाट को संभालने के लिए। चेला तो तुरंत मान जाता है लेकिन गुरु नहीं। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। अब वो क्या, मान जाते हैं बात दोनों ही यहाँ के राजपाट को संभालने के लिए, जो कि पहले किसका था, एक बेवकूफ राजा और उसके बेवकूफ से मंत्री का, उस राजपाट को संभालने के लिए ये गुरु और चेला मान जाते हैं। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। और वो एक कंडीशन भी रखते हैं, मतलब एक शर्त भी रखते हैं कि वो जो भी पुराने जो भी लॉज है ना, पुराने नियम, उन सबको वो चेंज कर देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी अगेन नाइट From then on, night would again be night and day would again be day. इनके हिसाब से अब जो रात है वो रात की तरह ही माना जाएगा और जो दिन है वो दिन की तरह ही, मतलब कि रात में जो काम बाकी जगहों पे होता है, टाउन में होता है, वैसे ही रात में यहाँ पे भी चलेगा। और दिन में जैसे कि हर जगह काम किया जाता है वैसे ही, और बिजनेस वगैरह रन होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी अब दिन में ही, मतलब कि रात रात होगा, दिन दिन होगा। And you could get nothing for a dudu. और एक डुडू में, सिंगल डुडू में, मतलब पहले के नियम के हिसाब से बहुत कुछ आप ले सकते थे ना, अब वैसा कुछ नहीं होगा। It became like any other place. अब जो मतलब करेंसी का भी जो इस्तेमाल है बाकी अदर जगह, मतलब अदर प्लेसेस में जिस तरह से होते, उसी तरह से यहाँ पे भी होंगे। तो ये थी ये स्टोरी द किंगडम ऑफ फूल्स। इस कहानी का इस तरह से एंड हो जाता है। अ कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम AK रामानुजन, फोक टेल फ्रॉम इंडिया। और ऐसी और स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।